नांगल चौधरी के गांव कालबा में वन विभाग की टीम पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें वन विभाग के दो अफसर रेंजर और डिप्टी रेंजर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको राह चलते लोगों ने तुरंत नागरिक हॉस्पिटल इलाज के लिए पहुंचाया। दरअसल ड्रोन से अरावली की पहाड़ियों में डाले गए बीज का डीएफओ के नेतृत्व में निरीक्षण कर वन विभाग के अधिकारी रेंजर और उप रेंजर वापस लौट रहे थे, तभी रास्ते में कालबा गांव के सड़क किनारे कुछ लोगों ने जेसीबी से पेड़ों की मिट्टी को उठाते देखा तो उन्हें रोकने पर टीम पर लाठी कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। मैं आज इंस्पेक्शन के लिए आया था यहाँ पे नायन एरिया में, और अपने संबंधित स्टाफ मेरे डिप्टी रेंजर हैं रजनीश कुमार जी और साथ में चंद्रगुप्त, तो मैं इंस्पेक्शन करने के लिए आया था आज सुबह। और जब वहाँ से वापस लौट रहे थे तो कालबा के पास ये इंसिडेंट हुआ, तो वहाँ पे कुछ इन्होंने फॉरेस्ट एरिया में अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे थे, तो उसमें मेरे स्टाफ ने जो है रुक करके इनको मना किया कि ना करें, और इस पे जो है जो सामने वाला जो पार्टी थी उसने जो है गाली गलौज वगैरह करके और काफ़ी मारपीट की है, और मेरा स्टाफ का सर्वर तोड़ दिया है पूरा। यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े स्टिचेस आए हैं, 3 से 4 इंच के स्टिच हैं और डीप हैं, तो पूरी कोशिश करी है उनको जान से मारने की, और आगे भी धमकी दी है कि अगर उस एरिया में दिखाई पड़े तो मारेंगे। तो ये सरकारी कर्मचारी के साथ ये ऑन ड्यूटी ये हादसा हुआ है आज। फिलहाल सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों की शिकायत पर मौजूदा सरपंच समेत आधा दर्जन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। नांगल चौधरी से रामपाल फौजी की रिपोर्ट। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।